प्रदेश भर में तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 24 घंटों में 965 नए मामले सामने आए हैं। तो देखिए, कोरोना के मामलों की तादाद बढ़ती जा रही है। अगर इसी तेजी के साथ मामले बढ़ते रहे तो हो सकता है कि प्रदेश में वही से उसी तरीके से जो सख्ती पहले देखी गई थी वही सख्ती बढ़ती जाए। फरीदाबाद में 145 मामले सामने आए हैं, पंचकुला में 57, जींद से 39 मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में 4535 एक्टिव मरीज हो गए हैं। तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में एहतियात बरतना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। बार बार सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि आप तमाम गाइडलाइंस का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो वैक्सीनेशन जरूर करवा लीजिए। हालांकि अगर कोरोना के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो जल्दी से जल्दी टेस्ट करवाइए और साथ ही एहतियात आप जरूर बरतिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप करते रहें। बार बार हरियाणा न्यूज भी आप लोगों से अपील कर रहा है कि सावधानी बरतिए, सुरक्षित रहना है। हमारे ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं। राजेंद्र, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है। राजेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो राजेंद्र की आवाज नहीं हो आ पा रही है और उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, प्रदेश में कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसी तरह से आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर सावधानी नहीं बरती तो आपको सख्ती बरतनी पड़ेगी। अब आपको क्या बरतना है वो आप पर डिपेंड करता है। हमारे ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं। राजेंद्र, बढ़ते मामलों को देखते हुए लापरवाह हो गए हैं लोग? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से लगातार पेशेंटों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। और अब भी 24 घंटे की बात करते हैं बीते की, तो 145 के मामले हैं वो नए सामने आए हैं और 600 से ज्यादा संख्या एक्टिव मरीजों की हो गई है। 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस तरीके से लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और इसका सबसे बड़ा कारण है जो लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर कहीं भी कोई मास्क लगाता हुआ नजर नहीं आता है। और यही कारण है कि लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। जी साधना, राजेंद्र, बात करें वैक्सीनेशन को लेकर, लोग कितने जागरूक हैं, कितने परसेंट वैक्सीनेशन हो चुका है और कितने परसेंट लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन अभी करवाया भी नहीं है? साधना, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। और वैक्सीन की अगर बात करते हैं तो वैक्सीन फिलहाल जो है स्वास्थ्य विभाग के पास भी नहीं है, और जो लोग लगवाने के लिए जा रहे हैं वो लोग वापस बैरंग ही घर को लौट जाते हैं, क्योंकि वैक्सीन पिछले करीब 10 तारीख से जो है खत्म है और दोनों डोज ये अब खत्म हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंता का विषय ये भी है, क्योंकि कोरोना से लड़ने में सबसे कारगर जो है वो वैक्सीन ही है, लेकिन वैक्सीन ही जब उपलब्ध नहीं है तो इससे लड़ने की बातें सारी जो एक अतिशयोक्ति सा नजर आता है। जी चलिए राजेंद्र, नजर बनाए रखने के लिए बहुत शुक्रिया, अपडेट देने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी गगन भी जुड़ गए हैं। गगन, बढ़ते मामलों को देखते हुए क्या कुछ एहतियात बरतते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लोग जो है वो सावधान नजर आए हैं फिलहाल? साधना, देखिए, बात की जाए तो जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर ही, देश के अंदर कोरोना के केसेस जो है लगातार जो है बढ़ने को लेकर है। देखिए, बात की जाए तो जिस तरह से दो जिले हरियाणा के जो ऐसे हैं जिसमें कोरोना के केसेस जो है अधिक जो है देखने को मिल रहे, जिसमें देखिए बात की जाए तो गुड़गांव की हो, फरीदाबाद की हो, इन दो जिलों के अंदर जो है कोरोना के जो नए मामले जो सामने आए हैं। और बात की जाए तो जिस तरह से कुरुक्षेत्र जिले की भी, तो इसके अंदर देखिए बात की जाए तो 3 नए एक्टिव जो है केस आए हैं। देखिए, जो लोग हैं, लोग कहीं ना कहीं एक जो डील बरतते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल भी जो है मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और जो जिस तरह से सरकार की जो गाइडलाइन जो जारी की गई थी कि जहां पर जो सार्वजनिक स्थानों पर अधिक संख्या में जो लोग इकट्ठा हुए तो उनका मास्क लगाना भी जरूरी है, लेकिन ऐसे कुछ जो नियम है जो लोग बिल्कुल भी पालन नहीं करते। देखिए, पहले ही जो 2020 में जिस तरह से कोरोना महामारी की वजह से काफी काफी मुसीबतों का जो है आम लोगों को भी, सरकार सभी को जो है सामना जो है
करना पड़ता, लेकिन अब जिस तरह से लोगों की लापरवाही की वजह से ही ऐसा माहौल जो है बनता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल भी जो है लोग जो है मास्क और जो है सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन नहीं करे। और जिस तरह से देखिए बात की जाए तो हॉस्पिटलों के अंदर भी जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो कहा जाता है कि जो है तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है, लेकिन उसके बावजूद जो है हॉस्पिटलों के अंदर जो है वैक्सीनेशन ना होने की वजह से लोगों को जो है निराशाजनक जो है अपने घर जो है वापस लौटना पड़ता है। जी सादरा, तो क्या जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है उनके लिए कोई डेटा कलेक्ट किया गया हो कि लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है और इन लोगों ने करवा लिया है, कोई ऐसा डेटा कलेक्ट किया गया है? बिल्कुल साधारण, देखिए अभी तक जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो अभी कुछ ऐसा जो है डाटा जो अभी नहीं जो दिया गया है, क्योंकि देखा जाए तो अभी वैक्सीनेशन ना होने की वजह से जिस तरह से देखिए बात की जाए तो पहली वैक्सीनेशन जो है पूर्ण रूप से जो है लोगों ने 101% जो है लगवा ली थी, दूसरी डोज भी जो है कुछ लोगों ने लगवा ली थी, आधी तकरीबन जो है 78% में भी शायद लगवा चुके हैं। और बात की जाए तो जिस तरह से अब जो है बूस्टर डोज भी जो है लगाना जो है जरूरी है, अगर जो कोरोना से जो है इतना है तो बूस्टर डोज और जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जो जारी की गई है जो मास्क का प्रयोग करें सार्वजनिक स्थानों पर, समय समय पर अपने हाथ जो है सैनिटाइज करें, और अगर जो किसी भी तरह के जो लक्षण आप बुखार या किसी भी तरह के जो है लक्षण जो है तो तुरंत जो है सार्वजनिक समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जो है अपना टेस्ट करवाना जरूरी है। जी साधना। चले गगन, बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी संजय भी जुड़ गए हैं। संजय, गुरुग्राम में क्या कुछ तस्वीरें, कितने मामले सामने आए हैं गुरुग्राम से और कितनी सख्ती बरती जा रही है प्रशासन के द्वारा बढ़ते मामलों को देखते हुए? बिल्कुल साधारण, जिस तरीके से गुरुग्राम की मैं बात करूं तो बीते 24 घंटे के अंदर 661 नए मामले सामने आए, तो वहीं पर करीबन 370 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। और लगातार जिस तरीके से गुरुग्राम में जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं तो उसका सीधा सीधा देखा जा सकता है कि गुरुग्राम की जनता अभी भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रही है, और यही एक बड़ा कारण है कि लगातार गुरुग्राम में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। तो अभी तक मैं गुरुग्राम की बात करूं तो एक्टिव केसों की संख्या भी प्रदेश में सबसे अधिक है, जो कि 2500 यानी कि 2500 से अधिक जो है पॉजिटिव जो केस है गुरुग्राम में है। और ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की भी चिंताएं बढ़नी लाजमी है, क्योंकि लगातार दिन प्रतिदिन जो नंबर ऑफ केसेस है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोग अपनी नैतिक जो जिम्मेदारी है वो नहीं समझ रहे हैं, और इसी के लिए कहीं ना कहीं अब जिला प्रशासन भी सख्ती बरतना शुरू कर रहे हैं। और साथ ही साथ गुरुग्राम के बस स्टैंड की बात करूं, हुडा सिटी सेंटर की बात करूं या गुरुग्राम के सदर बाजार की बात करूं, जो भी सार्वजनिक स्थान है वहां पर कहीं ना कहीं अब सख्ताई के साथ जिला प्रशासन निपटेगा। जो भी लोग मास्क नहीं लगाएंगे उनको कहीं ना कहीं कड़ी वार्निंग जरूर दी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने विश्वास तक यही कहा कि 100 या 200 से अधिक जहां भी लोग इकट्ठा हो तो मास्क लगाना अनिवार्य है, लेकिन गुरुग्राम के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कहीं ना कहीं अभी भी लापरवाही बरती जा रही है। यही बड़ा कारण कि गुरुग्राम में आए दिन नंबर ऑफ केसेस में जो है बढ़ोतरी देखी जा सकती है। जी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए।